दोस्तों आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका टीम जून में भारत दौरे पर आएगी। टीम 9 जून से टी20 सीरीज खेलेगी। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस टूर्नामेंट का आयोजन आईपीएल 2022 के ठीक बाद किया जा रहा है। ऐसे में आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स की नजरें रहेंगी। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि आईपीएल में हार्दिक पांडे के शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनका चयन निश्चित नहीं है। चयनकर्ता उनकी फिटनेस के बारे में कंफर्म नहीं है। वह चाहते हैं कि हार्दिक पांडे दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करें। मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऐप के बारे में बता देता हूं जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ऐप का नाम है गेमजी। इस ऐप पर आप फैंटेसी क्रिकेट के साथ साथ रमी पोकर और इजी गेम जैसे कि लूडो कैरम खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं और आप 5 मिनट में पेटीएम या बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस ऐप पर आप वेटिंग टाइम 0 है, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। साथ ही आपके पास है 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और कमाइए। चयन समिति के एक सदस्य ने इनसाइड स्पोर्ट्स को बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह जून में भारत में वापसी करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वह तभी जब वह फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए हार्दिक पांडे अपने प्रदर्शन के साथ शानदार नेतृत्व में दिखे। उनकी टीम आईपीएल 2022 प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। हालांकि गुजरात टाइटंस की कप्तान ने आईपीएल में अब तक केवल 19.3 ओवर फेंके, वहीं 11 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए। उन्होंने 4 मैचों में 4 ओवर का कोटा पूरा किया है। बल्ले से उन्होंने शानदार प्रदर्शन पेश किया है। पांड्या ने 11 मैचों में 38.22 की औसत से 344 रन बनाए जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। चयन समिति के सदस्य ने बताया कि खराब गेंदबाजी प्रदर्शन के बावजूद चयनकर्ता उनकी फॉर्म में वापसी से खुश है, लेकिन उनकी फिटनेस परेशान कर रही है। यह टीम का फैसला है कि वह आईपीएल में कितनी बार गेंदबाजी करते हैं। जैसा कि हम सब समझते हैं कि वह पूरी तरह से फिट और ठीक है, हम आईपीएल में उनके प्रदर्शन की निगरानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हार्दिक पांड्या के बारे में? क्या उन्हें भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।